अज का फैसला हले डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, अज का फैसला यह है कि कितने कितने थानू रिलीफ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो एसजीपीसी द्वारा ये याचिका माननीय हाई कोर्ट में डाली गई थी, इस याचिका को डालकर माननीय हाई कोर्ट को एसजीपीसी द्वारा ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो ये पैरोल और फरलो स्टेट ऑफ हरियाणा दे रही है वो आउट ऑफ द वे जाके दे रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दे रही। इस पर सुनवाई चली थी माननीय हाई कोर्ट में, काफी दिन से इस पर सुनवाई चल रही थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि आप जो पूज्य गुरुजी के ऊपर केसेस हैं ऐसे ही सिमिलर केसेस की लिस्ट लेकर आएं कि ऐसे और कितने कैदी हैं जिनको आपने ये कंसेशन दिया है पैरोल और फरलो का। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट फाइल किया था और कुल 89 ऐसे लोगों की रिपोर्ट उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में दी कि जिनको उन्होंने पैरोल और फरलो दी है। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि अब आप उनकी लिस्ट लेकर आए कि जिन सिमिलर केसेस में जिनकी आपने रिजेक्ट की है एप्लीकेशन। तो वो भी वो लिस्ट लेकर आए एफिडेविट के माध्यम से, सिर्फ दो लोगों की वो लिस्ट थी और उसमें उन्होंने कारण दिया कि एक को हमने पैरोल पर भेजा था, जब उसका सरेंडर करने का टाइम था तो समय पर उसने सरेंडर नहीं किया, 2 महीने के बाद उसने सरेंडर किया 49 दिन के बाद सॉरी। तो और जो दूसरे का था उसका एड्रेस वेरिफिकेशन का इश्यू था, इस वजह से उनकी पैरोल को रिजेक्ट किया गया है। तो माननीय हाईकोर्ट में इसमें कल सुनवाई पूरी हो गई थी, आज ये प्रोनाउंसमेंट पे था। तो माननीय हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो ये फरलो की एप्लीकेशन अब लगाई गई है या भविष्य में भी कोई ये पैरोल या फरलो की एप्लीकेशन लगाते हैं, जो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू एक्ट जो हरियाणा गुड प्रिजनर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको भविष्य में डिसाइड किया करेगी। गौरव कितने ना कितने जिहड़ी एफिडेविट मंगे गए रहे इस केस का जिन्हों मैनू बेस जिहड़ा लगता है, हालांकि ऑर्डर च शायद आएगा भी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है कि एफिडेविट मंगया गया कि राम रहीम दी तुसी बार बार फरलो या पैरोल दे रहे हो, बाकी किन्नी कैदी नूं दित्ती है तां 89 यानी कि 79 लोगों की लिस्ट दी गई और उस तो बाद दो लोगों की यह लिस्ट दी गई जो कोर्ट ने दोबारा मंगया कि रिजैक्ट किन्नी की है तो सरकार ने दी, दो लोगों की रिजैक्ट की है जिदा जितेंद्र खुराना दस रहे थे। एक होर पॉइंट तुसी कोई दसना चाह रहे हो? जी जी देखिए, जैसे आप अभी पूछ रहे थे तो ये जो पिटीशन है डिस्पोज ऑफ हो गई है, जो एसजीपीसी की पिटीशन है वो माननीय हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया और भविष्य में जो इसके ऊपर फैसला लेगी वो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिया करेगी। अज का फैसला हले डिटेल ऑर्डर आना बाकी है, अज का फैसला यह है कि कितने कितने थानू रिलीफ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जो एसजीपीसी द्वारा ये याचिका माननीय हाई कोर्ट में डाली गई थी, इस याचिका को डालकर माननीय हाई कोर्ट को एसजीपीसी द्वारा ये इम्प्रेशन दिया जा रहा था कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जी को जो ये पैरोल और फरलो स्टेट ऑफ हरियाणा दे रही है वो आउट ऑफ द वे जाके दे रही है, अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं दे रही। इस पर सुनवाई चली थी माननीय हाई कोर्ट में, काफी दिन से इस पर सुनवाई चल रही थी। तो माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि आप जो पूज्य गुरुजी के ऊपर केसेस हैं ऐसे ही सिमिलर केसेस की लिस्ट लेकर आएं कि ऐसे और कितने कैदी हैं जिनको आपने ये कंसेशन दिया है पैरोल और फरलो का। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट फाइल किया था और कुल 89 ऐसे लोगों की रिपोर्ट उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में दी कि जिनको उन्होंने पैरोल और फरलो दी है। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि अब आप उनकी लिस्ट लेकर आए कि जिन सिमिलर केसेस में जिनकी आपने रिजेक्ट की है एप्लीकेशन। तो वो भी वो लिस्ट लेकर आए एफिडेविट के माध्यम से, सिर्फ दो लोगों की वो लिस्ट थी और उसमें उन्होंने कारण दिया कि एक को हमने पैरोल पर भेजा था, जब उसका सरेंडर करने का टाइम था तो समय पर उसने सरेंडर नहीं किया, 2 महीने के बाद उसने सरेंडर किया 49 दिन के बाद सॉरी। तो और जो दूसरे का था उसका एड्रेस वेरिफिकेशन का इश्यू था, इस वजह से उनकी पैरोल को रिजेक्ट किया गया है। तो माननीय हाईकोर्ट में इसमें कल सुनवाई पूरी हो गई थी, आज ये प्रोनाउंसमेंट पे था। तो माननीय हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो ये फरलो की एप्लीकेशन अब लगाई गई है या भविष्य में भी कोई ये पैरोल या फरलो की एप्लीकेशन लगाते हैं, जो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको अकॉर्डिंग टू लॉ अकॉर्डिंग टू एक्ट जो हरियाणा गुड प्रिजनर एक्ट है उसके अकॉर्डिंग स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसको भविष्य में डिसाइड किया करेगी। गौरव कितने ना कितने जिहड़ी एफिडेविट मंगे गए रहे इस केस का जिन्हों मैनू बेस जिहड़ा लगता है, हालांकि ऑर्डर च शायद आएगा भी डिटेल ऑर्डर आना बाकी है कि एफिडेविट मंगया गया कि राम रहीम दी तुसी बार बार फरलो या पैरोल दे रहे हो, बाकी किन्नी कैदी नूं दित्ती है तां 89 यानी कि 79 लोगों की लिस्ट दी गई और उस तो बाद दो लोगों की यह लिस्ट दी गई जो कोर्ट ने दोबारा मंगया कि रिजैक्ट किन्नी की है तो सरकार ने दी, दो लोगों की रिजैक्ट की है जिदा जितेंद्र खुराना दस रहे थे। एक होर पॉइंट तुसी कोई दसना चाह रहे हो? जी जी देखिए, जैसे आप अभी पूछ रहे थे तो ये जो पिटीशन है डिस्पोज ऑफ हो गई है, जो एसजीपीसी की पिटीशन है वो माननीय हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया और भविष्य में जो इसके ऊपर फैसला लेगी वो स्टेट की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिया करेगी।